मौलवी तो इमाम मोहम्मद बिन हंबल है। तीन बादशाहों ना टक्कर ली जिन्हें, हाँ जी, वासिक ना भी, मोतसिम नाल भी, ते मामून नाल भी। तीन बादशाहों का दौर गुजरिया, इमाम साहब नूं मार दिया उन्होंने, कोड़े मारे। तो इमाम साहब नूं उन्हें बेड़ियां पवा के मोतसिम कैसी इहनूं उठ ते सवार करके मेरे को लियाओ। यह किवें हो सकता है, बादशाह दा आर्डर होवे ते मन्ने नहीं, इहनूं बेड़ियां पाओ। तो बेड़ियां पा के इहनूं उठ ते सवार करके लियाणा, तो उन्हें आर्डर किया, उठ ते सवार होण लगे भी इमाम अहमद बिन हंबल की मदद नहीं करनी, तो उतारण लगे भी मदद नहीं करनी, तो बेड़ियां पईयां होवन ते कई बार डांदे सन इमाम अहमद बिन हंबल, उठ ते बहन लगे तो उतरन वाले भी। तो बादशाह कहता सी, दसो ये कुरान मखलूक है कि नहीं? फरमाया कुरान मखलूक नहीं है। फिर जल्लाद खड़े होते सन लैण, हर जल्लाद नूं सी भाई सिर्फ दो कोड़े मारने, ताकि मठा कोड़ा इमाम साहब नूं लगे, ताज़ा दम, हर जल्लाद हट के दो दो हट जा भाई, नवा आवे दो कोड़े मारे, नवा आवे तो दो कोड़े मारे। तो जदों भी इमाम साहब नूं कोड़ा मार के वह फारिग होते सन, आप फरमाते सन अलहम्दुलिल्लाह। फिर इमाम साहब अपने शागिर्दां नूं ते अवाम नूं तसली देण वास्ते जो आप नूं कोड़े ला के फारिग होंदे सन ना, जो वक्फा मिलता सी, आप फरमांदे सन कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना व मौलाना व अल्लाह फलियतवक्कलिल मोमिनून। फरमाया मेरे हबीबे तुसी ऐलान करो, हरगिज कोई मुसीबत नहीं पहुँच सकती जब तक मेरे अल्लाह ने वो मेरे लिए लिख नहीं दी। बंदे को मुसीबत हरगिज नहीं पहुंच सकती मगर वही जो मेरे रब ने लिख दिया है, वही हमारा मौला है, और मुसलमानों को हमेशा उसी पर ही भरोसा करना है। ए इमाम साहब ए फिर ए आयत पढ़ते सन, फिर मोतसिम जड़ा सी ना, मोतसिम इमाम साहब के कान ने चाह के उन्हें कहा, जिवें हारून, हारून पुत्र सी ना हारून रशीद मोतसिम का, वह कहता सी जिवें मैनू हारून प्यारा है ना, तुसी इतने वड्डे आलिम हो मुसलमानों के, मैनू इवें तुसी प्यारे हो, एक बारी कम अज कम कह तो दो ना कि मैं कुरान मखलूक है, एक बारी तो कह दो मैं कोड़े तुहाड़े बंद करा देंगा। आपने फरमाया तू बादशाह अपनी जाइए, तू कुरान हदीस तू कोई दलील लिया, ऐंज मैं तेरी किवें गल। उन्हें कहा फिर मारो, मैं फिर मारो 80 कोड़े। इमाम साहब फरमाते मैं योजा लगे जी हाथी नूं भी लगते तो चीख उठता, 80 कोड़े इमाम मोहम्मद बिन हंबल खाधे। तो फिर आप दुआ फरमाते होंगे सन, रहम अल्लाह अबुल हैसम गफर अल्लाह अबुल हैसम, या अल्लाह अबुल हैसम बख्श देवी, या अल्लाह अबुल हैसम ते रहम करी। आप दे बेटे अब्दुल्ला कहन लगे, हुजूर पुत्र मैं वा तुहाडा दुआवा किदे वास्ते करने हो दिहाड़ी राती? फरमाओ पुत्रा ये बगदाद का बड़ा वड्डा डाकू सी, लोहार जात का लोहार है तो डाकू बड़ा वड्डा है। जदों मैनू कोड़े मारन ले जा रहे सन ना एक मौके उत्ते, ते अगो आ गया, कहन लगा हुजूर मैं चोरी की खातिर 18,000 कोड़े खाधे, चंद कोड़े खा के हक न छोड़ देवे, चंद कोड़े खा के हक ना छोड़ देना। कहंदे ने उसकी यह गल मैनु खड़ा कर गई, उसकी यह गल मैनु खड़ा कर गई। आज सदियां बाद जुमे दे टाइम अबुल हैसम का जिक्र होया कि ना होया, तो गल तो इंज जिस गल इमाम फरमाया जी चंद कोड़े खा के मैं 18,000 खाधे चोरी नहीं छोड़ी, तो तुम चंद कोड़े खा के ते हक ना छोड़ देना। इमाम साहब अपने पुत्र नूं कहंदे सन उसकी गल मैनू इस्तकामत दे गई सी, यार जे चोरियां की खातिर लोग कोड़े खावन ते हक की खातिर असी नहीं खा सकते। एहो जिहा दीन तो फिर असी ए ते फिर इमाम मोहम्मद बिन हंबल ही है। त्रै बादशाहां नाल टक्कर रही आपकी, त्रै बादशाहां जदों मुतवक्किल का दौर आया ना मुतवक्किल का, उन्होंने फिर कदर आ गई इमाम साहब की। 7.5 लाख हदीसा याद सन इमाम अहमद बिन हंबल, 7.5 लाख हदीसा जिसन याद होवन ते उठते बन के कोड़े मारे जा रहे होवन, बाजार इच मारे जा रहे होवन, तमाशाई खड़े हो जान, ते जदों कोड़े मार के फारे होवन ते इमाम अहमद बिन हंबल खुद फरमाते सन उठते बदे हो, फरमाते सन जेड़ा जानदा हो ते जानदा मैं अहमद बिन हंबल हाँ, जेड़ा नहीं जानदा वह जान लवे कि मेरा नाम अहमद बिन हंबल है। तो बादशाह ये कहंदा है कि कुरान मखलूक है, तो मैं उठते बदे हुआ ऐलान कर रहा कि बादशाह गलत कहंदा है। हुण किने कोड़े खाने मसीतां वास्ते, किने कोड़े खाने ते तरावियां वास्ते, किने कोड़े खाने, क्यों हुण तो गल कोई नहीं करता।
मैं तो पहले ही कहता हूं सी, मैं तो उदों भी कहता सी, लोग साढ़े मजाक उड़ाते सन कि स्पीकर तक गल नहीं रहनी, गल बड़ी अगे चली जानी, ऐ साड़ी कौम साड़ा मजाक उस वेले ही उड़ाती सी जी, एवं जज्बाती गल्ला करना। तो मैं कहता सी स्पीकर तक अगे गल नहीं रहनी गल, हाँ जी गल सिद्दीक अकबर पहले दिन फरमा दी सी, क्यों जी जदों हजरत उमर ने कहा सी ना कि बाबा ताले फिर ना सवर फुक बेहम, कि जनाब है जकात नहीं ना देंदे, बाकी तो कलमा भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, हज भी करते हैं, बाबा सारे काम करते हैं, नमाजा पढ़ते हैं, तुसी कम अज कम थोड़ा जहा हाथ हौला रखो, इन्हों ना भी लड़ना है तुसी। ऐ गल जदों हजरत उमर की थी, फरमा उमर ये क्या बात कर रहा है तू, लो मनाऊनी ये कालन लजा हत तो हम, फरमाया जकात तो बड़ा आगे का मसला है, जो हुजूर के जमाने में ऊंट लाता था जकात का और उसका घुटना बांधने के लिए रस्सी लाता था, अब ऊंट लाए और रस्सी ना लाए सिद्दीक उसकी भी गर्दन काट कर, अब तो किसी के पास कोई दलील भी ऐसी नहीं है। तो मस्जिदें बंद हो गई, सिद्दीक अकबर देख रहे थे अगर आज मैंने थोड़ी सी ढील दी ना तो क्यामत तक लोगों ने मेरे अमल को दलील बनाकर इस्लाम का तिया पांचा करके रख दिया, अब तो किसी के पास दलील भी कोई नहीं। तो ऐसे ऐसी जनाब टीवी पर बैठ कर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, सिद्दीक अकबर फरमा ना 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 युन कसुद्दीन वाना हयुन कत्तमल वाहयो, फरमाया सिद्दीक के होते हुए कोई दीन में कमी कर सकता है, हुजूर हमें मुकम्मल दीन देकर गए। बात तो इतनी है इसके अंदर और तो कोई नहीं, ये मेरे सपुर्द तो दीन नहीं है, क्यों जी दीन का वारिस तो खुद मालिक है, उसने दीन दिया, दीन के रसूलुल्लाह में दीन दे कर गए, फिर हमारे बुजुर्गों ने मुतवक्किल ने फिर 1,00,000 रुपया भेजा कि आपके साथ बड़ा जुल्म हुआ, क्यों जी बड़ा जुल्म हुआ आपके साथ, तीन बादशाहों ने जुल्म किए, हुजूर ये मैं आपका कायल हूँ, मैं आपके बड़ा कदरदान हूँ, आपके साथ बड़ा ही जुल्म हुआ, ये 1,00,000 रुपया नजराना कबूल कर लें, और जिसको भेजा था उसको कहा कि अगर इमाम साहब कबूल न करें ना तो उनको अर्ज करना कि आप पैसे ले लें और आपको जरूरत नहीं है तो गरीबों को दे देना। जब इमाम साहब के पास, सुनो ये थे वो उलमा जिन पर हुजूर ने नाज फरमाया, जिनके जिम्मे हुजूर अपना दीन छोड़कर सारी दुनिया से तशरीफ ले गए, ये थे वो उलमा, ये थे वो उलमा। जब बादशाह दा 1,00,000 रुपया आया ना तो आप रो पड़े, आपने फरमाया या अल्लाह पहले तो मेरे दीन का इम्तिहान होया, हुण मेरी दुनिया का इम्तिहान होने लगा, और ये मेरे लिए उस इम्तिहान से सख्त इम्तिहान है कि बादशाह आप मुझे पैसे देने लग पड़े, या अल्लाह ये क्या इम्तिहान है मेरे लिए। फिर आपने फरमाया ओए वापस ले जा, मैंने पैसे नहीं चाहिए। उन्हें कहा हुजूर बादशाह कहता सी मुतवक्किल कि हजरत साहब नु अर्ज करना, मंगते नु दे देना, ते आपने फरमाया मेरे घर के मुकाबले बादशाह दे महल दे बाहर ज्यादा मंगते आंदे ने, ऐ वापस ले जा, बादशाह नु कहना मंगते नु अपने हाथ नाल देवे, अहमद बिन हम्बल तेरे पैसे लै के सवालिया नु भी नहीं देने। हाँ ये वो लोग थे जिनकी वजह से आज भी इस्लाम नाज करता है, हाँ आज भी इस्लाम नाज करता है जिन पर। और जब इमाम अहमद बिन अम्बल नू कोड़े मरवाण वाले वो भी मौलवी सन जिन्हें इमाम अहमद बिन अम्बल नू कोड़े मरवाए, हाँ ये हर दौरे च यह जहाँ लोग रहे कोई नवे थोड़े हैं। इमाम अहमद बिन अम्बल नू जब कोड़े लग रहे सन ना उठो ते ते आप फरमाते सन कूलू लियाल बिदे बैनना व बैनकुमुल जनाइस, फरमाओ ना बित्तियां नू कह देना कि साढ़े और तुहाड़े दरम्यान जनाजे फैसला कर देंगे। तो जब इमाम अहमद बिन अम्बल दुनिया तो गए थे 17,00,000 लोगों ने जनाजे में शिरकत की थी, 17,00,000 लोगों ने शिरकत की थी। जब इमाम साहब नू कोड़े मरवाए सन ना पंजवा बंदा कोई नहीं सी उन्हां दी चारपाई चाण वाला, तू आया ना दर ते हो क्यों बद नसीबा, वो हजारा रंगा में रंगेंदे मां।